हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग एजुकेशन सेंटर। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी हाउ टू स्टडी लॉन्ग आवर्स विदाउट मोटिवेशन। तो आजकल के स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन एक मेडिसिन या गोली की तरह बन गया है, जो आप गोली लेंगे तो ही आपको पढ़ाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। मीन या तो आप मोटिवेशनल वीडियोज़ देखेंगे या फिर आपको मोटिवेशन चाहिए होगा तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे कंसंट्रेट करेंगे पढ़ाई पर विदाउट मोटिवेशन, या फिर आप बिना मोटिवेशन के भी स्टडी कैसे कर पाएंगे लॉन्ग आवर्स के लिए। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी 8 ऐसे तरीके जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स। ये 8 तरीके मैं ऐसे बताऊंगी जो साइंटिफिकली प्रूवन है, और साइंटिस्ट ने बहुत सारे स्टूडेंट्स पे ये तरीके आजमाए हैं उसके बाद ही ये बताया है। तो ये तरीके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आप सभी के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा स्टूडेंट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होगा ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि पानी पीने से क्या होगा, यदि हम पढ़ते दौरान पानी पीते हैं तो हमारा माइंड एक्टिव रहता है, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पढ़ाई में और हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। नंबर सेकंड, ईट गुड फूड, फ्रूट्स। आपको क्या करना है, फ्रूट्स आप एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं बीच में पढ़ते वक्त। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल सकते हैं कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, या फिर फ्रूट्स तो इतना भी ज़रूरी नहीं है पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने के लिए कि आप फ्रूट्स ही खाएं, लेकिन आप अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं ताकि आप स्वस्थ रहें, किसी भी तरह की बीमारी आपको न हो, तो आप ऐसे खाना खाएं। नेक्स्ट होगा जो टिप होगी वो होगी स्लीप वेल। आपको जो है अच्छे से सोना है, आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की नींद ले लेनी है, जिससे कि आपका माइंड नेक्स्ट डे आप जब उठे तो आपका माइंड फ्रेश हो, किसी भी तरह की आपको आपका माइंड जो है 100% इफ़िशेंसी के साथ वर्क कर पाए। यदि हम नींद कम लेते हैं, यदि हम 3 से 4 घंटे की से कम नींद लेते हैं और 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले पाते हैं, तो क्या होता है, नेक्स्ट डे हम 100% इफ़िशेंसी के साथ हमारा माइंड वर्क नहीं कर पाता है, जिससे हम अपना पूरा 100% पढ़ाई में नहीं दे पाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो अच्छे से सोए, ताकि आप नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड से अच्छे से पढ़ाई कर पाए। नेक्स्ट होगा अवॉइड सोशल मीडिया। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में कि आप सोशल मीडिया अवॉइड कर ले पूरी तरीके से, क्योंकि सोशल मीडिया से आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कब आपके 3-4 घंटे निकल जाते हैं सोशल मीडिया के साथ, और सोशल मीडिया से आपको डिस्ट्रैक्शन भी होता है। तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, आपको टाइम अपनी पढ़ाई के लिए यूटिलाइज़ करना है, ना कि सोशल मीडिया पे। यदि आप वो टाइम अपना सोशल मीडिया पे बर्बाद कर देंगे तो आपका टाइम ऐसे ही निकल जाएगा पढ़ाई करने का, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप पढ़ाई से दूर होते चले गए। नेक्स्ट होगा अवॉइड जंक फूड। आपको बाहर का खाना या फिर जंक फूड आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जंक फूड खाने से हमें लेजीनेस आती है, हमें सुस्ती आती है, हमें नींद आ जाती है, जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते और हम सो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट, आपको जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, आपको घर का सिंपल खाना खाना है, और आपको फ्रूट्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, आपको अच्छा खाना खाना है ताकि आप हेल्दी रहें, आपको नींद न आए और बीच बीच में आप पानी पीते रहें ताकि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम न हो, साथ ही साथ आपका माइंड एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट होगा फिनिश योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको क्या करना है, आपको एक पेपर पे अपने टू डू लिस्ट बना देनी है, या फिर अपने डेली के टास्क बना देने हैं, और इन टास्क को आपको डेली के डेली ही कंप्लीट कर लेना है। इससे क्या होगा, आपका प्रोग्रेस चार्ट ऊपर जाएगा, आप प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे, और साथ ही साथ आप कोई बड़ा गोल अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में, यदि आप इन छोटे छोटे टास्क को डेली कंप्लीट करते जाएंगे, और इससे आपका रूटीन भी बेहतर हो जाएगा, और साथ ही साथ आप अपना बहुत अच्छा टाइम टेबल बना पाएंगे। नेक्स्ट होगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिकली फिट रहने के लिए, साथ ही साथ हमारे माइंड को भी ये एक्टिवली रखता है। इट मींस कि हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे माइंड को फ्रेश कर देते हैं आफ्टर एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज न केवल फिट रहने के लिए ही अच्छी है, इसके साथ हम मेंटली भी फिट रहते हैं यदि हम डेली एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, वे फिजिकली भी फिट रहेंगे, मेंटली भी फिट रहेंगे, उनका माइंड फ्रेश रहेगा, और वे हैप्पी भी रहेंगे, और यदि वे हैप्पी रहेंगे तो वे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज डेली ज़रूर करनी है, आपको अपनी हैबिट बना लेनी है डेली एक्सरसाइज करने की। नेक्स्ट जो 8th होगी और लास्ट टिप होगी वो होगी रेगुलर ब्रेक्स। आपको पढ़ाई के दौरान बीच बीच में ब्रेक्स जरूर लेने हैं, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूव है
कुछ साइंटिस्ट ने बताया है कि यदि आप 3 से 4 घंटे लगातार एक सीट पर बैठ करके पढ़ते हैं तो आपकी इफिशियंसी कम हो जाती है। उससे बेहतर है कि आप 30 मिनट्स पढ़े और उसके बाद आप 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लें। इट मीन्स आपको अपनी चेयर से उठ जाना है और 5 से 10 मिनट का वॉक कर लेना है, उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने बैठ जाना है। इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और आपका माइंड ज़्यादा इफिशियंसी के साथ वर्क करता है, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। तो आपको रेगुलर ब्रेक्स जरूर लेने हैं अपनी पढ़ाई के दौरान। यदि आप रेगुलर ब्रेक्स लेते हैं पढ़ाई के दौरान तो आपका माइंड जल्दी चीज़ों को कैच करता है और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। उन लोगों से बेहतर पढ़ाई करेंगे जो रेगुलर बिना ब्रेक्स के लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनसे आप बेहतर पढ़ाई करते हैं यदि आप रेगुलर ब्रेक्स लेते हैं। तो आपको पढ़ाई के दौरान बीच बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। And thank you for watching this video.